हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है और आप पहली बार यूनो बैंक एप्लीकेशन, SBI की एक यूनो एप्लीकेशन है जिससे आप अपना अकाउंट पूरा मैनेज कर सकते हैं, वहां पर अपने अकाउंट डिटेल जान सकते हो, किसी को पैसे भेज सकते हो UPI के थ्रू या अकाउंट के थ्रू आप पैसे भेज सकते हो, अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो, ऐसी बहुत सी आप फीचर ऐसे मिलेंगे आपको, वो आप एक्सेस कर पाओगे अपने यूनो बैंक एप्लीकेशन, जो आपको अपने बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपने एप्लीकेशन से सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। दोस्तों पहली बार अगर आप उसे एक्सेस करने जा रहे हो यूनो एप्लीकेशन को, कैसे आपको इसमें लॉगिन करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या और इसमें कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे जब भी आप इस प्रोसेस को समझ पाओगे। और हाँ दोस्तों, पहले मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो इतना उसके शेयर करो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन में। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने फोन में आ चुके हैं, सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं, सिंपली आपको वहाँ प्ले स्टोर में यूनो SBI को टाइप कर लेना है, लिखा हुआ YONO SBI, तो आपको इस तरह का लोगो देखने को मिल रहा होगा यूनो बाय SBI। सिंपली इसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ऊपर लिखा प्लीज़ सेलेक्ट टू प्रोसीड, दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर और नीचे लिखा है न्यू टू SBI। दोस्तों यहाँ पर पहले बता दूँ, अगर न्यू टू SBI में क्लिक करेंगे, नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक आपने अकाउंट भी नहीं बनाया है, नहीं पहले बार कस्टमर हो तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली हम बात कर रहे हैं कि अगर पास SBI अकाउंट है पहले से ही, तो आपको ऊपर वाले क्लिक करना है, एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर पर आपको क्लिक करना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो नीचे वाले को आपको छोड़ देना है, सिंपली आपको ऊपर वाले पे ही क्लिक करना है, एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर पर। तो चलिए एक्सिस्टिंग SBI कस्टमर पर हम क्लिक कर देते हैं, जब मैं क्लिक करूँगा आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी मजा वाली बात यह है, जो भी आपने SBI में अपना नंबर लिंक कर रखा है, अपना नंबर डाला हुआ है, वो आपको सिम सेलेक्ट करनी है। अगर वन में सिम वन में है वो सिम, तो सिम वन में क्लिक कर देना, अगर नंबर सिम टू में तो सिम टू क्लिक कर देना है। इसके बाद ये देखिए वेरिफिकेशन जा चुका है, जो कि ये बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर कि वो नंबर एग्जैक्ट कस्टमर का ही है, हमारे SBI कस्टमर का है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर पर अकाउंट डिटेल्स, सिंपली यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है अपना, जो आपके पासबुक में देखने को मिल जाएगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैच है आपकी वहाँ डाल के आप सिंपली इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पहली बार आपको यूज़र नेम डालना है कोई भी, फिर इसके बाद पासवर्ड डालना है। तो चलिए कोई भी आप यूज़र नेम डाल सकते, जो भी अगर आपका नाम जो भी आपका नाम है डाल देना, उसमें स्पेस नहीं डालना आपको, उसके 123 कर देना है, जो 3000 कर देना, 786 कर देना, कुछ भी कर सकते हो, और नीचे एक पासवर्ड डालकर इसको आपको ओके कर देना है। बाकी प्रोसेस में आपको दोबारा एक आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो जो भी OTP आएगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट, फिलहाल ऑटोमेटिक ही मैसेज यहाँ पर डल जाएगा, नहीं डलता तो आप खुद भी डाल सकते हो। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको उसको एक्नॉलेजमेंट टिक कर देना है और आगे का कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो MPIN सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपके एक MPIN डाल सकते हो, जो आपको याद रहे, पासवर्ड याद रहे, जिससे ही आप इसे लॉगिन कर पाओगे। ये आपका ये समझ लो M एप्लीकेशन का, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन का एक OTP बन जाएगा। तो चलिए फिलहाल मैं डाल देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका MPIN जनरेट हो चुका है, अब इसी से आप लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए इसको हम ओके कर देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन खुल चुकी है, यहाँ पे सिंपली हम अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, यूनो पे कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लोन क्रेडिट कार्ड्स अपने कार्ड को भी यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए व्यू बैलेंस देखने को मिल जाता है, उसके नीचे अकाउंट स्टेटमेंट आपको देखना है कि नहीं हमने पेमेंट करी है, क्रेडिट डेबिट आपको देखने को मिल जाएगा, बगल में देखिए यूनो पे है, और नीचे डिपॉजिट पे, डिपॉजिट से आप अपने अकाउंट में पैसे भी जमा कर सकते हो अदर ऐप से। और देखिए यहाँ पे यूनो पे है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जितने भी आपको क्विक ट्रांसफ़र करना है किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है आपको, नीचे देखिए भीम UPI भी लिखा हुआ है, उससे सिंपली आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हो, और अपने देखिए किसी दोस्त को पैसे भेजने वो भी दे सकते हो, और किसी का मोबाइल रिचार्ज DTH चार्ज या पर लोन पेमेंट भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए SBI भी भेज सकते हो, अदर बैंक उसको भेज सकते हो, नीचे UPI भी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा अकाउंट मैनेज कर सकते हो SBI का अपनी यूनो बैंक एप्लीकेशन से, कार्ड्स का भी इन्फॉर्मेशन देखो मिल जाती है, इंश्योरेंस शॉप बेस्ट ऑफर मोबिलिटी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, हो सके शेयर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।